क्या पाने आते हैं? शीतलता को पाने आते हैं। मैं अनादिकाल से संतप्त हूं, मैं संसार ताप विनाशनाय किस लिए आया हूं? संसार रूपी ताप को विनाश करने के लिए आराधना की जाती है, पूजा की जाती है, कषाय के लिए नहीं की जाती है। इसलिए गरीबी को लेकर के मत आयुष के साथ आओगे, आराम से अपने जीवन में ठंडे होकर के जाओगे, आनंद बरसेगा तुम्हारे जीवन में, लाभ ही लाभ होगा, प्रॉफिट ही तुम्हारे जीवन में है। और तुमने कसाय को लेकर के हानि ही हानि, लॉस लॉस, क्या जीवन! इसका मतलब तुम्हें अच्छे से व्यापार करना भी नहीं आता। हाँ, इस बात का तत्व चिंतन जीवन में हमेशा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तत्व चिंतन। तो साधक तत्व चिंतन में जब रहता है तो सही तप करता है। क्या करता है? मैं ये बतला रहा हूं, तप का मतलब है विशुद्धि। तप का मतलब क्या है? विशुद्धि है। अरे जो साधक तपस्वी होता है ना, वो और भगवान की पूजन करता है, और जिस दिन उपवास करता है, अब मैं बात बतला दूं, उस दिन और भक्ति करता है, और पूजन पाठ करता है, और गुरुओं की उपासना करता है, विशेष रूप में करता है, उसका नाम तप है। हर हमने किया, हर आलसी बन के सो रहे हैं, नींद में निकाल दिया, कई लोग हाथ में रिमोट लिया, एसी चालू की सो गए, रिमोट दबाया, टीवी चालू की सीरियल देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सीरियल देख रहे हैं। हो, तुम तप का अपमान कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ये तप का अपमान है ज्ञानियों। तप का मतलब इच्छाओं का निरोध करना। क्या है तप की परिभाषा? क्या है? इच्छा निरोधा तपा। जहां पर इच्छाओं का निरोध हो जाता है, जहां पर संसार की इच्छाओं का निरोध हो जाता है, जहां पर विषय कषायों का निरोध हो जाता है, विषय कषाय से रहित, पांच इंद्रियों की इच्छाओं से रहित, जो चार प्रकार का त्याग किया जाता है अन्य काम, उसका नाम उपवास तप है। क्या है? अब तुमने उपवास तो कर लिया, और थोड़ा सा तुम्हें किसी ने टोक दिया, आग बगुला हो गए, तुम्हें पता नहीं है मेरा आज उपवास है, समझ गए तुम्हारा उपवास है, हो गया परिचय, हो गया तुम्हारा, हो गया उपवास था, गुरु ने टोक दिया, मेरे उपवास के दिन ही मुझे टोक दिया, अब मैं उस कसाय बांध के बैठ गए। अब उसने अपने जीवन में ज्ञान की हीनता कर ली, कर्म बंद कर लिया। तुम्हारा किस काम का उपवास? जिसमें गुरु आज्ञा का पालन न हो वो उपवास किसी काम का नहीं। पहले गुरु आज्ञा होती है, मूल गुणों का पालन होता है, बाद में उत्तर गुणों का पालन होता है। इस बात का ध्यान रखे, जो मूल गुण ही नष्ट कर रहा है, उत्तर गुण किसी काम का ही नहीं उसका। शास्त्रों में पढ़ो, स्वाध्याय करो अच्छी तरह से, सब समझ में आएगा ज्ञानियों। इसलिए आचार्य के इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं का निरोध करो। किसको जीतना है? इंद्रियों को जीतना है, उसका नाम तप है। अपने मन को जीतना है, उसका नाम तप है। और तुम मन ही नहीं जीत पा रहे हैं, अब तुम आज उपवास कर बैठे हैं, और तुम्हारी अनकल्पना चल रही है, कल क्या तैयारी करना है, मैं कैसे पढ़ना करूँगा, मैं इस प्रकार पढ़ना करूँगा, मैं ऐसा भोजन करूँगा, मम्मी इस बात का ध्यान रखना, कल ऐसी तैयारी करना है, हो गया तुम्हारा काम। इच्छाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है, अब उपवास चल रहा है। जबकि उपवास के दिन भगवान के चरणों में बैठो, गुरुओं के चरणों में बैठो, स्वाध्याय करो, विशेष रूप से स्वाध्याय करो, विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। उपवास का मतलब ही है साधना को वृद्धिगत करना, माइनस नहीं। अब उपवास था इसलिए आज हम ऐसा कर नहीं पाए, क्या करें, मैं प्रतिक्रमण छूट गया मेरा, हमने उपवास था इसलिए आज सामयिक लेट के कर ली। क्या कर ली? आज मैं लेट गया था, अब उपवास था इसलिए मेरे स्वाध्याय में नहीं आया। इसलिए कर्म जरा के साधन है। उपवास क्या है? एक विशुद्धि अंश है। इसलिए आचार्यों ने 12 प्रकार के तप कहे हैं। कितने प्रकार के? 12 प्रकार के तप कहे हैं।
छह बहिरंग तप हैं और छह अंतरंग तप हैं। बहिरंग तप अंतरंग तप की सिद्धि के लिए है। किसके लिए हैं? बहिरंग तप अंतरंग तप की सिद्धि के लिए किए जाते हैं, ना कि प्रसिद्धि के लिए। इसलिए बहिरंग तप जो हमें बाहर में दिखाई देता है और अंतरंग जो हमें दिखाई तो नहीं देते हैं लेकिन विशुद्धि अंश है, और फिर भी अगर अंतरंग में विशुद्धि है तो बाहर में परिलक्षित हो जाते हैं। पहला अनशन है बहिरंग में, अनशन जिनको हम उपवास बोलते हैं। अनशन का मतलब ये नहीं है कि आजकल देश में जो आंदोलन हो रहे हैं वो अनशन हो रहा है, मैं अनशन पर बैठ गया हूँ। नहीं, ये तो तुम कसाई में बैठ गए हो, ये अनशन नहीं है। ये तो किसी मांग की पूर्ति के लिए तुम बैठ गए हो, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बैठ गए हो, इसका नाम अनशन तप नहीं है। अनशन का मतलब है आसन का त्याग, और आसन माने चार प्रकार का आसन होता है, खाद स्वाद लेप, ये चार प्रकार के जो आसन है उनका त्याग करना, और वो भी विशुद्धि के साथ त्याग करना। उस दिन जिस दिन हमने उपवास किया है उस दिन उसी क्षण हम जब नियम लेते हैं तो हम चारों प्रकार की कसाई का भी त्याग करते हैं, उसी दिन हम पांचों इंद्रियों के विषयों का भी त्याग करते हैं, ऐसा आगम में लिखा है उसका नाम, और फिर चार प्रकार के आहार का त्याग, इस सब मिलाकर के इसका नाम है उपवास। इसका नाम क्या है? उपवास तप है। और इस तप से निर्जरा होगी, तपसा निर्जरा छा, तपसा निर्जरा छा, अब निर्जरा होगी, और ये नहीं है तो निर्जरा होने वाली नहीं है। उस दिन नियम लो कि आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज मैं कसाई नहीं पालूंगा, अहंकार नहीं करूंगा, छल कपट नहीं करूं, लोभ नहीं करूंगा, कोई इंद्रिय विषयों का सेवन नहीं करूं। ये क्या है? उपवास है। ऐसा उपवास करोगे अथवा लंघन हो जाएगा। अगर ये विशुद्धि नहीं है, त्याग नहीं है, सब नहीं किया है तो इसका मतलब तुमने लंघन कर लिया है, और लंघन से निर्जरा नहीं होते हैं। कई लोग अपने पराधीनता में भोजन नहीं मिलता है तो भूखे रह जाते हैं, उसका नाम उपवास नहीं है। कई लोग गुस्से में थाली फेंक देते हैं और उस दिन भोजन नहीं करते, आज मैं भोजन ही नहीं करूंगा। सुनो ध्यान से, आज मुझे भोजन नहीं करना है, क्यों? मेरी अनुकूलता नहीं हुई है इसलिए मैं आज भोजन नहीं करूंगी। अब मालूम चला कि आज वो भैया जी भोजन नहीं करेंगे, आज वो दीदी जी भोजन नहीं करेंगे, बोले क्यों नहीं करेंगे? आज वो कोप भवन में है, कहाँ है, या कोई गुस्से में बैठ गए हैं, या कोई अनुकूलता नहीं हुई है, किसी की भी बात कर रहा हूँ, कोई भी हो, आज उपवास कर लिया। अब तुम्हारे ये उपवास किस काम का है? गुरु ने आज्ञा दी, उस आज्ञा का भी उल्लंघन कर दिया। नहीं नहीं मैंने कह दिया ना, कितनी कसाई लग रही तुम्हारे जीवन में। जो व्यक्ति गुरु आज्ञा का उल्लंघन कर दे वो तप तप नहीं है, वो लंघन है। एक बात ध्यान रखना, मैं बात बतला रहा हूँ, अगर मैंने उपवास भी ले लिया है और गुरु आज्ञा आ गई कि नहीं तुम्हें आहार के लिए उठना है, क्या करोगे बोलो? कि तुमने जो ले लिया वो कि गुरु आज्ञा? सबसे बड़ी चीज क्या है? गुरु आज्ञा है, गुरु ने आज्ञा दी है वो प्रथम वंदनीय है। गुरु आज्ञा स्वप्न में भी उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, वही सबसे बड़ी साधना है, वही सबसे बड़ी साधना है, आराधना है। इसलिए हम पहले गुरु आज्ञा का पालन करेंगे, गुरु ने आज्ञा दी है। हाँ ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मैं कह रहा हूं मैंने उपवास ले लिया, स्वास्थ्य बिगड़ गया, सूचना पहुंचती गुरुदेव के पास, गुरुदेव का आदेश आता है नहीं तुम्हें आहार के लिए उठना है, मेरा आदेश है, सहज स्वीकार, उठ गए। कोई तर्क वितर्क नहीं होता इसमें, क्योंकि साधना कोई हठवार्ता का नाम नहीं है, साधना हठ योग नहीं है, योगी का योग है, हठ योग नहीं है। जैन दर्शन में हठ योग का कोई स्थान नहीं है कि हम साक्षात परमेष्ठी की गुरुओं की आज्ञा उल्लंघन कर दें, जिनको भगवान बोलते हैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके करेंगे तो पहला हमने उल्लंघन कर दिया तो पाप पूर्ण कर रहे हैं,
क्या कर रहे हैं, यही पाप हो गया, अब क्या फायदा, नहीं हम तो करेंगे, मैंने बोल दिया था। क्या बोल दिया था तुमने, गुरु ने मना भी कर दिया। अब गुरु ने मना कर दिया तो उस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए, छल मत करो। क्या ऐसी छलपूर्ण साधना कर्मबंध का कारण बनती है। तो पहला तप कौन सा है, अनशन, आपका समय हो गया है, चारों प्रकार के आहार का त्याग विशुद्धि पूर्वक करना चाहिए। दूसरा तप का नाम है अवमोदरी, उनोदर, उदर, ऊन, अपने पेट से कम खाना, कम भोजन करना, ठूस ठूस करके भोजन नहीं किया जाता है, वैसे नहीं किया जाता है, अगर ठूस ठूस के भोजन करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि चार भाग होते हैं पेट के, और चार भाग में एक भाग खाली रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है, एक भाग को खाली रखना चाहिए। अगर शीतकाल का मौसम है तो मूलाचार में लिखा है दो भाग ठोस पदार्थ, दो भाग ठोस पदार्थ से भरो और एक भाग तरल पदार्थ होना चाहिए, लिक्विड आदि होना चाहिए, और एक खाली रखो। अगर ग्रीष्म काल का मौसम है तो दो भाग को शीत पदार्थों से, पेय पदार्थों से, किससे, पेय पदार्थों से, और एक भाग को ठोस और एक खाली। सिस्टम है ये, अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो प्रमाण उल्लंघन दोष लगता है। अब इसमें ऊनोदर तप करना, जितना हम भोजन करते हैं उससे एक ग्रास कम भी लेना अवमोदर है, जघन्य है, और सिर्फ एक ग्रास लेना उत्कृष्ट है। आप गए, आपने अंजलि में पहला ग्रास लिया, बस करके आ गए, इसका नाम क्या है, उत्कृष्ट उनोदर है। यहां तक कि पहला ग्रह अगर जल भी ले लिया आपने तो वो भी उनोदरी है, यहां की अपेक्षा उत्कृष्ट। और मध्यम का मतलब है कुछ भी और कम लेना, और कम लेना, उससे ज्यादा लेना, बीच में ही, मध्यम के कई भेद बन जाते हैं। अब अनशन से भी ज्यादा इसमें निजरा हो जाती है। अनशन में तो आपने तप कर लिया कि मुझे आज उपवास करना है, मुझे आहार करना ही नहीं है, और उनोदर का मतलब है आपने सब कुछ इच्छा से गए, आप, आपकी आहार संज्ञा जागृत हो गई, आपने थाली देख ली, व्यंजन देख लिए, उसके बाद खड़े हुए, एक ग्रास लिया और छोड़ दिया, कितनी बड़ी निर्जरा होगी, कितनी क्षमता है उसमें, और कितनी क्षमता चाहिए, कितना वैराग्य चाहिए। तो उनोदर तप वृत्ति परिसंख्यान तप होता है, और वृत्ति परिसंख्यान तप का है कोई ना कोई नियम संकल्प लेकर के जाते हैं मुंडाज, और जब निकलते हैं तो अपनी चांदनी चर्या में जाते हैं सिंह वृत्ति के साथ, यह मुद्रा होती है, और इस जो मुद्रा होती है ये वृत्ति परिसंख्यान तप, जो ये दिगंबर मुनि के लिए ही कहा गया है, और एलक जी चुल्लक जी नहीं ले सकते हैं, यहाँ तक कि आर्काओं को भी नहीं लेना चाहिए, जो विधि लेके निकलते हैं ये मुख्य रूप से दिगंबर चर्या है। क्या है, ये दिगंबरत्व चर्या है, इस बात का हमें ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, आंतरिक नियम ले सकते हैं, वो नियम कहलाते हैं कि आज मैं थाली में से ये हटा दूंगा, ये हटा दूंगा, ये नहीं लूंगा, वो उनका वृत्ति परिसंख्यान है, लेकिन विधि लेकर के इस वृत्ति से निकलना ये दिगंबरत्व चर्या है, और वो संकल्प लेकर के निकलते हैं, और ये भावना से कि मुझे अगर लाभांतराय कर्म का क्षोभ सम होगा तो मिलेगा, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उपवास कर लेंगे, वो वृत्ति परिसंख्यान तप होता है। और इसके कोई भेद नहीं होते हैं, बहुत प्रकार का होता है, विधि बहुत प्रकार की होती है, और पता नहीं कब कौन सी विधि लेके, ऐसा नहीं आपसे पूछ के लेंगे महाराज हाँ आज विधि लूंगे, नहीं नहीं आज नहीं, कभी भी ले सकते हैं वो। विवेक सयासन, एकांत साधना करना, और एकांत साधना का अर्थ है दिगंबर मुराज करते हैं संसार के कोलाहल से दूर हो करके, जहाँ पर सामान्य लोग नहीं आते हैं, साधकों के बीच में रहते हैं, उसका नाम एकांत है। एकांत का मतलब ये नहीं है कि तुम जाकर के अकेले बैठो, अकेले में मनमानी भी कर सकते हो, क्योंकि आज मन चंचल है,
इसलिए साधकों के बीच में रहना वो भी एकांत है, यही गुरुजन बतलाते हैं और यही इस काल की चर्या, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। विवेक काय क्लेश, रस परित्याग। अब रस परित्याग का मतलब तप है ही, कोई ना कोई रस का त्याग करना, कभी एक रस का, कभी दो रस का, कभी तीन रस का, कभी नीरस करना, ये रस परित्याग तप कहलाता है। और इस तप का मतलब इंद्रियों को जीतना है, अपने को जीतना है, मन को जीतना है, इसलिए किया जाता है। काय क्लेश तप होता है, काय क्लेश का मतलब क्लेश पैदा नहीं करना, न संक्लेश करना, न क्लेश करना, अपितु विभिन्न प्रकार के आसन आदि लगा करके साधना करना, ये क्या है, काय क्लेश तप है। इस प्रकार ये छह बहिरंग हैं और छह अंतरंग तप हैं। प्राश्चित, प्राश्चित लेना कोई सामान्य बात नहीं है, अपने निंदा ग्रह करते हुए गुरुजनों के सामने आलोचना करके, निर्विकार होकर के आलोचना करना और उसको स्वीकार करना, और जो गुरु ने दिया है उसको सहज भाव से स्वीकार करके उसको करना, उसका नाम है प्राश्चित। जो व्रतों की शुद्धि के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए शोधन किया जाता है, उसका नाम है प्राश्चित। विनय, विनय अंतरंग तप है, और विनय का मतलब ही अंतरंग में विशुद्धि होना, गुरुओं के प्रति बहुमान होना, सम्मान होना, शिष्टाचार अनुशासन का पालन करना और नम्र वृत्ति होना, ये सब विनय है। बैयावृत्ति अंतरंग तप है, और बैयावृत्ति अभी आगे आएगा तो बैयावृत्ति भावना में हम समझाएंगे, वहाँ पर ये बहुत बड़ी तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारणभूत हैं। विनय बैयावृत्ति, तो प्राश्चित, विनय, बैयावृत्ति, स्वाध्याय, आलस त्याग करके स्वाध्याय करना अपने लिए, अपने विशुद्धि के साथ, उसका नाम क्या है, स्वाध्याय है। और विसर्ग होता है, जिसको हम कायोत्सर्ग बोलते हैं, कायोत्सर्ग कहो, विसर्ग कहो, बाह्य उपाधि और अंतरंग उपाधि का त्याग करना विसर्ग तब है। बहिरंग में परिग्रह आदि का त्याग करना और अंतरंग में विकारों का त्याग करना, इसका नाम क्या है, विसर्ग है। ममत्व का त्याग करते हुए ये विसर्ग तप कहलाता है। और अंतिम तप होता है ध्यान, जिसमें साक्षात कर्मों की निरीक्षा होती है। इन सब सीढ़ियों से पार करके अंतिम तप तक पहुंच सकते हैं, उसका नाम ध्यान है। इसलिए हमें अपने जीवन में ध्यान पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर ध्यान पर ध्यान नहीं दिया तो कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। अंतिम तप ध्यान है। अब सोचो हमें वहां तक पहुंचना है, इस बात का हम ध्यान रखें। इसलिए अपने आप को जीतें, लेकिन तप करो, सात्विक करो। कौन सा करो, सात्विक करो, राजसिक और तामसिक मत करो। तप तीन प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक तप है जो निर्मलता के साथ किया जाता है, विशुद्धि के साथ किया जाता है, जो हम लोग साधना करते हैं वो जो सात्विक तप है, जो इच्छाओं के लिए किया जाता है उसका नाम राजसिक तप है, और जो कषाय में किया जाता है उसका नाम तामसिक है। इसलिए कषाय में मत करो। इच्छाओं के लिए कोई कर रहा है, हमारे मनोरथ पूर्ण हो जाए इसलिए मैं एक साधना कर रहा हूं, मैंने व्रत क्यों किया, सुहाग दशमी, वृत कर रहा हूं मेरा स्वाग अच्छा बना रहे। परिणाम को शुद्ध करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।